जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। शायद मोदी जैसा प्रधानमंत्री दुनिया में नहीं है। आज इतनी बड़ी सौगात दी है उन विपक्षी पार्टियों को जो रात में गाली देती थी, कोसती थी, छाती पीटती थी मोदी जी के लिए। उन्होंने तोहफा दिया है कि वंशवाद से हट जाओ। राहुल गांधी, गांधी 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 गांधी, यादव 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 यादव, बनर्जी 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 बनर्जी, कितने लोग वंशवाद से गिरे। आज उन चाय वाले बेटे का, रेहड़ी वाले बेटे का, ठेले वाले बेटे का, काम करने वाले का नंबर आने वाला है। वो कार्यकर्ता होता है सब पार्टियों का। मेरे हम साथ में काम करते हैं पसमंदा में, हमारे कार्यकर्ता हैं ऐसे लोग। अब उनका नंबर आने वाला है जो चाय बेचने वाला है, आज उनका नंबर आने वाला है जो सब्जी बेचता है, आज उसका नंबर आने वाला है जो ठेला रिक्शा चलाता है। जो ठेला चलाता है उसका नंबर आने वाला है, जो चाय बेचता है उसका नंबर आने वाला है। नंबर किसी का भी आ सकता है, प्रधानमंत्री वाला। वो ये कहते हैं कि बीजेपी पार्टी ऐसे ही है, क्यों, कहाँ से आना हुआ आपका? मैं तो दिल्ली से हूँ। दिल्ली से, क्या नाम है आपका? अंकुर रघुवंशी। अंकुर रघुवंशी जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बेसिकली सुल्तानपुरी। सुल्तानपुरी, वो तो मैं समझ गया था यूपी के ही हैं आप जी। हाँ हाँ, बातों से ही पता चल जाता, मूर्खता छिपती थोड़ी ना है। मूर्खता कभी नहीं छिपती, वो दिन नजर आएगी ही आएगी, चाहे जितना छुपाओ उसको। लेकिन आपका बहुत बहुत स्वागत है रघुवंशी जी। विद्वान आदमी हैं, मित्र हैं, और हमारे बीच में है। सबको नहीं कह सकता, मैं यूनिक कह सकता हूँ जो हमारे मित्र हैं जी। मूर्ख हो गया तो फिर तो हो गया। ये भी एक तरह की अपनी तरह की मिसाल है कि यूपी वाले नहीं होते, बाकी सब वाले होते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, सारे लोग विद्वान हैं। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं तो थोड़ी देर में बोलिएगा जी। मैडम कहाँ से आए? मैं इंदिरापुरम गाजियाबाद से जी, और मैं टीचर हूँ। हाँ जी, कहाँ पे हैं आप? मैं स्कूल में नहीं हूँ, फ्रीलांसिंग काम। फ्रीलांसिंग का काम करती हैं जी। बोलिए, बताइए क्या कहना चाहती हैं? मैं यही जो आप कह रहे हैं कि जातिवाद, सच में हमने जातिवाद देखा, बरसों से देखते आ रहे हैं। कांग्रेस में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, फिर अपने आप राहुल गांधी। तो वंश की बात हुई, जाति की नहीं बात हुई। हाँ सॉरी जी, कोई बात नहीं, मैं आता हूँ आपके पास जी। अनवर प्रतीक जी, सबसे पहले तो आपको ईद की बधाई। मेरे आपको भी बहुत बहुत बधाई। अनवर भाई, वंशवाद की बात करने वाले जरा अपने घर में भी देख ले। राजनाथ सिंह जी का बेटा भी है। कितने बीजेपी के सांसद हैं जिनके बेटे एमएलए का इलेक्शन लड़ते हैं? एक वंशवाद पर ना जाएं। दूसरी बात, यादव को कह रहे हैं आप, नीतीश जी के साथ आप रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, महबूबा मुफ्ती के साथ रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पासवान जी के साथ रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप करें तो वाह, हम करें तो ना ना। हाँ जी, पॉइंट तो है भाई। अरे प्रभु, ये तो बताइए कौन सी पार्टी का बीजेपी के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष? बीजेपी है राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी का जिसका बाप हो, उसका बेटा 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 हो? नहीं है ना प्रभु। सुनिए 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 सुनिए, दिक्कत ऐसा है, वंशवाद में दिक्कत नहीं है, दिक्कत जानते हैं क्या है? कोई बात नहीं है, मुद्दा सिर्फ मोदी है, और मोदी ने सारे विपक्ष की कब्र खोदी है। प्रभु कहाँ से आना हुआ? मैं हूँ प्रभु, ब्रजवासी हूँ। मैं एक मिनट, एक मिनट, अनवर को पूरी बात कर ले। बहुत अच्छी मेरे भाई ने बात बोली। हाँ जी, इस विपक्ष से जो हालत खराब हुई है ना मोदी जी की, कहाँ बैठे थे अमेरिका, जल्दी से जहाज पकड़ा हिंदुस्तान दिल्ली आ गए। आते ही अनवर, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हुआ सर, जल्दी से आ गए, फटाफट। उन्होंने कहा ये क्या आफत आ गई, ये कहाँ विपक्ष इकट्ठा हो गया, अरे जो विपक्ष मेरे साथ चलता था मेरे से कैसे टूट गया, ये दिक्कत हो गई थी। लेकिन वहां से चलते हुए जो जल्दी आ रहे थे, थोड़ा सा मिश्र में बैठ के पानी जरूर पिया था उन्होंने। लेकिन जल्दी आ रहे थे। आपका धनवर, जस्ट गिव मी अ टाइम। प्रभात जी कुछ बोलना चाहते जी? हाँ जी, सबसे पहले तो देवशयनी एकादशी की सबको कोटि कोटि बधाई। आगे आओ पंडित जी, कुछ खोज के लाए हो तुम आज हैं। जब मैं बकरीद कह रहा हूँ तो आज आप एकादशी बता। एकादशी है, है मुझे मालूम है, है, है। और ये सारे लोग गवाह आए हुए। हाँ हाँ, और बकरीद की भी बहुत बहुत बधाई। हाँ, कवि हूँ, छोड़ूंगा नहीं, दो पंक्ति बोल के उसके बाद आगे बात करूंगा। हाँ हाँ, जरूर जरूर। के पथिक नौ मासिका तू भी, पथिक नौ मासिका मैं भी, क्या बात है, रसिक उल्लासिका तू भी, रसिक उल्लासिका मैं भी, के जाना एक ही दर पे मगर राहें अलग चुन ली। मैं काबे को अदब कर लूं,
झुका काशी में सर तू भी, क्या बात है, काबे को अदब कर लूं, क्या बात है, वाह, झुका काशी में सर तू भी। ये तो बकरीद और देवशनि एकादशी के लिए था। हमारे तमाम भाइयों को जो हिंदू हैं उनको देवशनि एकादशी की बधाई, और जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनको बकराईद की कोटि कोटि बधाई। अब हमारे भाई ने कहा कि बीजेपी में कोई ऐसा अध्यक्ष है जो बाप था बेटा नहीं बना। बंगारू लक्ष्मण का नाम सुना है भैया ना, तो पढ़ लेना एक बार जाके, क्या आरोप लगा था उन पर, कितने का लगा था देख लेना, करप्शन का। और अभी बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने कही, मोदी जी हारे वंशवाद पे आ रहे हैं भैया, भगवान राम को मानते हो ना, सुनना सुनना, नीलांबु श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित माम भागम पाणव महासाय कथारु चापम नमामि रामम रघुवंश नाथम, रघुवंश नाथम, वह भी वंश की बात है, पर हो मेरे भाई। गजब भाई पांडे जी, प्रभात जी, वो रघुवंश जी का जो कुल है मर्यादा है, और इधर भी वही गांधी जी की भी कुल और मर्यादा एक ही है, एक ही है, एक ही मर्यादा है, मर्यादा है भाई, आपने जोड़ा ना उसे तो मुझे लगा कि मर्यादा एक नहीं, नहीं, नहीं। परिवारवाद से नहीं है इनका कोई मतलब, परिवार से मतलब है ना, डर है परिवार से, कि जिस परिवार का दो दो सदस्य इस देश के लिए शहीद हुआ, डर तो लगना चाहिए, लाजमी है ये डर। हाँ जी 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 जी, आप राम जी की तुलना कांग्रेस से करें, दुर्भाग्य है। और लोकतंत्र की बात हो रही, राजतंत्र की बात नहीं, अब लोकतंत्र है देश में, कहाँ आप ले जा रहे हैं युवाओं को, आप युवा हैं भैया, ना भटकाइए, भाजपा एक ऐसी सरकार है, आप भी काम करिए, आप भी रिपोर्ट कार्ड पेश करिए, रिपोर्ट कार्ड पेश करना स्वच्छ राजनीति का एकमात्र उद्देश्य है, हम भी चाह रहे हैं। आप कांग्रेस में कहिए कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, राहुल गांधी ने लात मार के खदेड़ दिए, तो बताइएगा, बसपा में कहिए, बसपा में कहिए, मायावती से कहिए कि मायावती जी मैं आपके लिए करता हूँ अनुसूचित का उत्थान करूंगा, मुझे मुख्यमंत्री बनाइए, मायावती दरवाजे से अंदर नहीं घुसने देंगी। अखिलेश से कहिए कि मैं यादव, वो भी पूरे उत्तर प्रदेश का यादव नहीं, केवल मैनपुरी का यादव चाहिए, केवल इटावा का यादव उनको चाहिए, हम युवा है, हम जानते हैं देश के लिए कौन कर रहा है। अब आराम से वन बाई वन मेरे भाई ने बोला जी को बोलने, बहुत अच्छी बात मेरे भाई ने बोली कि मोदी जी हैं तो बिल्कुल ठीक। अरे अडवाणी जी को कहाँ छोड़ दिया भाई, मुरली मनोहर जोशी जी को कहाँ छोड़ दिया, अरे अडवाणी जी हाथ पकड़ के ले गए थे मोदी जी आज साइड में बिठा दिया, नमस्कार भी नहीं करते। जवाब दे देता हूँ, यह अडवाणी जी की बात करते हैं, कांग्रेस और भाजपा में सबसे बड़ी बात बता देता हूँ, 84 में अध्यक्ष थे सबसे बड़े नेता वाजपेयी जी, दो सीटें मां जीती, तुरंत भाजपा बैठी, समीक्षा किया, वाजपेयी जी को कहा पीछे जाइए, अडवाणी जी आगे आइए। ये नहीं होता कि राहुल गांधी जी 20 वर्षों से चुनाव हारते रहेंगे लेकिन अध्यक्ष आ गया भैया, आ गया। अरे ताली बजाते हो, कहां से आना हुआ भाई? मयूर विहार फेस्त्री उत्तराखंड, उत्तरांचल में, समझ गया, उत्तरांचल माथे पे लिखा था, उत्तरांचल पढ़ लिया मैंने तो। हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा, ये वाह क्या बात है। तो कैसे इधर आना हुआ आज? आज आगे प्रोग्राम देख के आगे, तो अभी आधा घंटा तो रुकेंगे नहीं? हाँ रुकेंगे, आधा घंटा रुकेंगे। कुछ बोलना भी है? बोलना कुछ नहीं है, हमें सब ठीक है। हाँ, सब मोदी जी ही आएंगे चाहे कुछ भी। अच्छा एक बात बताओ, आप आएंगे क्यों? अभी यही कह रहे हैं। अच्छा तो कह रहे हैं इसलिए आएंगे, ठीक। इसके बाद हाँ जी, ये इन्होंने बात की पंकज सिंह पे, उत्तर प्रदेश में भी 22 में चुनाव हुआ, पंकज सिंह रिकॉर्ड मत से विधानसभा का 2 लाख के मत से अंतर से जीते, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया गया, उनको बता रहे हैं पंकज सिंह को इसलिए मंत्री नहीं बनाया गया क्योंकि राजनाथ सिंह मंत्री है, इनके खरगे साहब का बेटा कर्नाटक में मंत्री है, ये डिफरेंस है, आपको बताना पड़ता है ये डिफरेंस। और बताइए वंशवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? आज मैं आपका इतिहास भी बताता हूँ। इंदिरा गांधी घर में बैठी थी, नेहरू जी उठा के लाए, कांग्रेस की सबसे बड़ी संस्था वर्किंग कमेटी का मेंबर बना दिया घर से उठा के इंदिरा गांधी जी को, उसके पहले वो कांग्रेस की तक प्राथमिक सदस्य भी नहीं थी। वो बाल सेना बनाई थी। देखो आप समझिए कि कांग्रेस कहाँ से चली थी, जो कांग्रेस थी राजनीतिक पार्टी थी, सरदार पटेल जी की बेटी को इसलिए हटाया गया था, कहते इसको
प्रदेश का है अनुभव, राष्ट्र का अनुभव नहीं है, इसलिए उनका पत्ता काटा गया और इंदिरा गांधी जी को घर से बुला करके वर्किंग कमिटी का मेंबर बनाया गया जी। वन में बड़ा आराम से अरोड़ा जी, मैं अब एक आराम से। प्रदीप जी, वंशवाद की बात चल रही है, राजनाथ सिंह जी के बेटे पंकज सिंह कौन? एक मिनट, प्रभात जी, पटेल जी की बेटी तक के पैर की धूल तक ना पहुंच पाएंगे हम में से कोई भी ना पहुंच पाएगा। पटेल जी की बेटी के पैर की धूल के बराबर ना पहुंच पाएंगे जिन्होंने पटेल के कॉन्ट्रीब्यूशन, पटेल के परिवार को पढ़ा है, इसलिए वहां बहस नहीं होगी, बाकी का होगी जी। गोपीनाथ मुंडे की बिटिया पंकजा मुंडे कौन? अमित शाह के बेटे जय शाह कौन? और पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल के प्रेम कुमार धूमल के वर्तमान के हमारे मंत्री अनुराग ठाकुर कौन? मुझे बताएं, वंशवाद किसे कहते हैं? नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे कौन? इसे कहते हैं वंशवाद। अच्छा लगा भारतीय जनता पार्टी को सुध आ गई, उन्हें लगा कि जो वंशवाद की राजनीति कर रहे हैं। अब रिपोर्ट कार्ड पे आ जाइए। रिपोर्ट कार्ड में सब्जेक्ट होगा महंगाई, सब्जेक्ट होगा बेरोजगारी, सब्जेक्ट होगा खिलाड़ी उत्पीड़न, सब्जेक्ट होगा महिला उत्पीड़न, सब्जेक्ट होगा अडानी, इसे कहते हैं रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड ले आए हैं, और अरोड़ा जी का कल जन्मदिन था, बड़ी तैयारी के साथ आए अरोड़ा जी, बहुत अच्छा। बस जी, अब आप बोलिए जी। उस मुद्दे पे आ रहे हैं, बेरोजगारी पे आ रहे हैं, बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे जी। देखिए, महंगाई पे भी आएंगे, टमाटर पे भी आएंगे जी। भारतीय जनता पार्टी आज हिंदुस्तान को विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में लाके खड़ी कर दी है। 11.72 करोड़ शौचालय बनाई, 7.5 करोड़ घर का निर्माण हुआ, आयुष्मान कार्ड दिया, वंदे भारत एक्सप्रेस का सौदा किया, और ये जाल बिछाया, मेट्रो का जाल बिछाया। आज जब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री विश्व पटल पे जाता है तो सारे नेता हिलने लगते हैं विश्व के, ऐसा कभी किसी को ऐसी इज्जत नहीं बख्शी थी। और जब हिंदुस्तान में आते हैं तो एक बार फिर से बिगुल फूंक देते हैं कि 2024 में 400 पार हम जाके रहेंगे जी। वो हाउडी मोदी में जो बोला था, अब की बार ट्रंप सरकार निपटा दिया, बस साहब पूरा मत मानना इस बात का। और अभी आपके जुबान से, चलिए मैं, वो हो सकता है टंग मिस्टेक हो, लेकिन सच्चाई है वंदे भारत में सौदेबाजी ही हुई है, बिल्कुल आपके जुबान से सही निकला था। नहीं तो एक गाय से टकरा के पूरी इंजन बिखर जाती है। और आपकी रेलवे की व्यवस्था और कवच कैसी थी? अरे कवच कैसा था, कवच कैसा था? बस जी कह रहे हैं एक बार आप भी टकरा के देख लीजिए जी। नहीं 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 नहीं, बस जी नहीं जी। आपने बात की थी वह भी बेरोजगारी पे जी। आपने बात की रिपोर्ट कार्ड की, 70 वर्ष 9 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड, मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड जनता जानती है, शायद जो जाने न जाने मुझे नहीं पता, पर जनता जानती है 370 नहीं हटी, 370 सालों में नहीं हटी, 9 वर्ष में हट गई। राम मंदिर 70 वर्ष में नहीं बना, 9 वर्ष में बन गया। एक मेडिकल था दिल्ली में, 12 बना दिए, 225 एयरपोर्ट थे, 500 बना दिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में दे दिया, और सबसे बड़ी सौगात के बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना दिया, करतार से कॉरिडोर बना दिया, 70 वर्ष में कुछ नहीं हुआ। अब आ जाओ रोजगार पर, मेरे समाज को गंदा उठवाया, मैला उठवाया, ठीली पर रखा, रेडी पर रखा, वोट मांगा और सत्ता में हासिल करते रहे। मोदी जी ने योजना दी है, घर बैठे बैठे राशन मिल रहा है, घर बैठे बैठे योजनाएं मिल रही है, घर बैठे बैठे किसान को निधि मिल रहा है, और घर बैठे बैठे बैठे, हाँ 15 लाख की बात करूँ, अगर राम मंदिर मिला है तो 15 करोड़ मिला हिंदुस्तानियों को, राम मंदिर मिला। आया आया बेटा, आया तो दूर खड़े हो, आ जा, अरे सफेद शर्ट पहन के आए तो जरूर पूछेंगे तुमसे। एक मिनट, अरे भाई आ रहा हूँ। सबसे पहले तो ईद की सबको बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आ रहा हूँ। जो ये वंशवाद की बात हो रही है, वंशवाद को पहले, ये जो हम बॉस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेके आ रहे हैं यहाँ पे कि कांग्रेस ने ये नहीं किया, वो बीजेपी ने वो नहीं किया, तो सबसे पहले हमें कांग्रेस को पढ़ना चाहिए, कांग्रेस ने क्या किया। आज मैं जींस पहन के खड़ा हूँ, ये भी कांग्रेस की देन है, क्योंकि नेहरू जी सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर बने, विजनरी लीडर,
जहाँ कांग्रेस नहीं जिस देश में, वहाँ जींस नहीं पहनते लुंगी पहन के डालते हैं। कौन सा तथ्य दे रहे भैया, कौन सा तथ्य दे रहे? ज्यादा ना बोला करो। ये जो व्हाट्सएप पे आज हम मैसेज पढ़ रहे हैं, फेसबुक पढ़ रहे हैं, ये राजीव गांधी जी का ड्रीम।